उत्तराखंड सरकार ने अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में रसोई गैस के 3 सिलेंडर निःशुल्क देने का निर्णय किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य के मुख्य सचिव SS संधु ने पत्रकारों को बताया कि इस निर्णय से प्रदेश के 1,84,142 अंत्योदय कार्ड धारक लाभान्वित होंगे। इस पर कुल 55 करोड़ रुपए का भार होगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने पूर्व की तरह ही इस बार भी गेहूं की खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय भी लिया है। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस ने मतदाताओं को प्रभावित करने का लगाया आरोप है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सरकार ने निर्णय मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लिया है और हम इसके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने जा रहे हैं। फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों में BJP 70 में से 47 सीटें जीतकर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता में आने का इतिहास रचा। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा से हार गए थे। उन्हें 6 महीने के अंदर चुनाव जीतकर विधायक बनना पड़ेगा। हालांकि BJP ने एक बार फिर धामी पर भरोसा व्यक्त करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन पद पर बने रहने के लिए उन्हें शपथ ग्रहण करने से 6 माह के भीतर विधायक बनना जरूरी है, जिसके लिए वह चंपावत से उपचुनाव लड़ रहे हैं। धामी ने 23 मार्च को दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। रिपोर्ट IPN।